लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। एक सावित्री थी जो यमराज से अपने पति को वापस ले आई, तो एक है गरिमा अबरोल जो पति की मौत को तो ना टाल सकी, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए पत्थर पर लकीर खींचने निकल पड़ी। प्यार की ऐसी दास्तां सदियों में रची जाती है जो गरिमा अबरोल ने चंद महीनों में ही लिख दी। 1 फरवरी 2019 को बेंगलुरु के आसमान में अचानक उठे इस काले धुएं ने गरिमा अबरोल की जिंदगी को भी स्याह कर दिया। मिराज 2000 लड़ाकू विमान जिससे उनके पति स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल अटखेलियां कर रहे थे, अचानक क्रैश हो गया। समीर शहीद हो गए और गरिमा अबरोल की जिंदगी में पहाड़ टूट गया। इस घटना के बाद गरिमा अबरोल की भावुक तस्वीरें और उनके भावुक पोस्ट ने देशवासियों के आंसू भी बहाए थे। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन गरिमा अबरोल ने खुद को संभालने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और अपने पति की सबसे बड़ी हसरत को पूरा करने में खुद को खपा दिया। जो काम दुनिया को पहाड़ सा लग रहा था, उसे अपने प्यार और अपनी लगन से उन्होंने पूरा कर दिखाया। गरिमा अबरोल ने 5 महीनों में ही वायुसेना की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। वो 2020 में वायुसेना में शामिल हो जाएंगे और जल्द ही अपने पति की तरह ही फाइटर जेट को अपने हाथों से नचाएंगे। गरिमा ने पति की मौत के बाद कहा था कि वो ये देखना चाहती हैं कि सेना का जूता पहनने के बाद आखिर महसूस कैसा होता है। अपने वायदे को उन्होंने पूरा कर दिखाया है। गरिमा अबरोल उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो परेशानी आने पर टूट जाते हैं, क्योंकि 1000 बिजलियां गिरे 1,00,000 आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो हैं खिलने वाले।